नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अनन्या पांडे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आखिर अनन्या पांडे को एनसीबी ने क्यों गिरफ्तार कर लिया और वो कौन सी बातें थी जिसके बाद एनसीबी को फाइनली अनन्या पांडे को गिरफ्तार करना पड़ा, और एनसीबी को कैसे शक हुआ कि अनन्या पांडे भी ड्रग्स लेती है। बहुत ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं वो सारे सबूत आप सभी को दिखाने जा रहा हूं जिसके आधार पर एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे की गिरफ्तारी की है और अनन्या पांडे से आज भी पूछताछ चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल भी अनन्या पांडे से 2 घंटे तक पूरी पूछताछ चली है। तो चलिए बात करते हैं, पूरी खबर है क्या। अनन्या पांडे की चैट से हुआ बड़ा खुलासा। आर्यन से बोला था, गांजा ट्राई करना चाहती हूं। जी हां, बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी दूसरे दिन अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार 21 अक्टूबर को हुई पूछताछ में एनसीबी को कई महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त हुए हैं, जिसमें ड्रग्स मामले में सबसे बड़ा लिंक आर्यन की अनन्या संग चैट है। अनन्या को सुबह 11 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंचना था, मगर अब तक नहीं पहुंची है। वहीं अनन्या पांडे से संबंधित 3 चैट्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 2018 से 2019 के बीच ये चैट्स गांजा को लेकर हुई हैं। अनन्या के दोनों मोबाइल एनसीबी ने सीज कर दिए हैं। उन पर पर्सनों की बौछार जब हुई तो अनन्या बहुत कंफ्यूज दिखाई दी। उन्होंने कई पर्सनों के ये कहकर टाला कि उन्हें ठीक से याद नहीं है। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अनन्या की एक चैट में वो आर्यन से बोलती हैं कि उन्होंने गांजा पहले ट्राई किया है, वो फिर से ट्राई करना भी चाहती हैं। प्राप्त हुई खबर के अनुसार आर्यन खान और अनन्या पांडे के चैट में एक जगह आर्यन अनन्या से गांजे को लेकर बात कर रहे थे। आर्यन पूछ रहे थे कि कुछ जुगाड़ हो सकता है। अनन्या ने उत्तर दिया था, मैं अरेंज कर दूंगी। एनसीबी ने अनन्या का ये चैट दिखाया तथा पर्सन भी पूछा, जिस पर अनन्या ने उत्तर दिया कि मैं केवल मजाक कर रही थी। हालांकि एनसीबी को अनन्या ने चैट पर निरंतर प्रश्न किए तो उनका उत्तर था कि जो भी बातचीत आर्यन से हुई वो सिगरेट को लेकर थी, ड्रग्स को लेकर हमारे बीच बात नहीं हुई है। जब अनन्या से पूछा गया कि क्या उन्होंने ड्रग्स लिया है तो अभिनेत्री ने स्पष्ट मना किया। पहले दिन की पूछताछ में पिता चक्की पांडे के साथ अनन्या पहुंची थी। इंटेरोगेशन रूम में प्रवेश होने के पहले अनन्या बहुत नर्वस थी तथा चक्की पांडे से लिपट कर रोई भी थी। तो इस तरह से एक बात साफ है कि अब अनन्या पांडे की परेशानी भी बढ़ने वाली है, और अनन्या पांडे की आर्यन खान के साथ जिस तरह की व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, इससे एक बात तो साफ है कि अनन्या पांडे भी ड्रग्स लेती हैं और गांजे की बात करती हुई ये सरेआम पकड़ी। अब आगे की कार्यवाही एनसीबी की टीम इसी के आधार पर करने वाली है। आज एक बार फिर से अनन्या पांडे से पूछताछ तो होने वाली है, लेकिन अभी तक अनन्या पांडे एनसीबी के ऑफिस पहुंची नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब एनसीबी की टीम भी थोड़ा परेशान है कि आखिर अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची क्यों नहीं है, क्या बात है, और क्या अनन्या पांडे सामने नहीं आना चाहती हैं या फिर एनसीबी की टीम को उनके घर से जाकर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।